और अभी मैं जा रहा हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो के लॉन्च इवेंट पर। और दोस्तों आज आपको दिखाएंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो गाइस महिंद्रा ने मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया और भाई थैंक यू महिंद्रा। और क्या पता एक स्कॉर्पियो मैं भी ले लूँ, क्या पता भी ना ले लूँ क्या नई वाली स्कॉर्पियो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो भाई नहा धो के मैं हो गया हूँ बिल्कुल तैयार और अभी मैं जा रहा हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो के लॉन्च इवेंट पर। तो चलो चलते हैं, बस बाल सेट करने हैं, खाना खाना है और निकलते हैं। मैं और मीना जा रहे हैं अभी, यहाँ पे सिब्बू का शूट हो रहा है, आके मेरा भी है फिर। चलो ये लोग तो बिजी हैं, खाना खा के निकलता हूँ फिर। मीना रेडी है भाई? इंस्टा रेडी है? इंस्टा का देखो कितना प्यारा लग रहा है, फोन आ गया, फोन इंस्टा देखो किसका फोन है। तो गाइस वी आर ऑल सेट और अभी जा रहे हैं भाई महिंद्रा के इवेंट में। विनय भी आ गया है और मैं भी आ गया हूँ। हमने ब्रेकफास्ट भी किया नहीं है क्योंकि ऊपर सिप्पू का शूट चल रहा था, तो भाई खाना वाना बनता और हम खाते तो डिस्टर्बेंस होती, तो इसलिए हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंगो शेक बना हुआ था, हम दोनों ने एक गिलास मैंगो शेक पी लिया। तो चलो अभी निकलते हैं। और दोस्तों आज आपको दिखाएंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो, आज लॉन्च है भाई उसका, ठीक है, जो कि शोरूम्स पे लॉन्च होगी आज। तो सारी डिटेल आपको दूंगा और फिजिकल लॉन्च भी जब उसका होगा तो सब कुछ आपको कवर करके दिखाऊंगा महिंद्रा स्कॉर्पियो का। और क्या पता एक स्कॉर्पियो मैं भी ले लूं, क्या पता भी ना ले लूं क्या नई वाली स्कॉर्पियो। नहीं अभी तो कुछ और प्लान है पहले वो। हाँ अभी काफी प्लान, अभी काफी गाड़ियां आएंगी तो हो सकता है स्कॉर्पियो भी आ जाए या कुछ और भी आ जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कार चूज कर रखी है जो भी और लेनी है। एक इवेंट पे ही लूंगा लेकिन वो मैं ऐसे नहीं कि फालतू में उठा के ले आया, एक स्पेशल इवेंट आएगा उसी दिन मैं नई गाड़ी भी ले आऊंगा। हाँ तो गाइज हम लोग भाई आधे रास्ते आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आधे तो नहीं मतलब काफी रास्ता क्रॉस कर लिया। कितने मिनट और लगेगी भाई? आधा घंटा भाई, आधा घंटा और लगेगा पहुंचने में। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम पहुंच जाएंगे 11 बजे तक, तो यही हमारा टाइम था पहुंचने का। हल्का फुल्का लेट हो जाएंगे 10-15 मिनट पर, कोई दिक्कत नहीं, इतना जो चलता है भाई क्योंकि वी आर चीफ गेस्ट। तो गाइज महिंद्रा ने मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया और भाई थैंक यू महिंद्रा, थैंक यू। बाकी भाई आज अपने हाथ से तुम्हारा भाई स्कॉर्पियो की लॉन्च करेगा, तो चल के देखते हैं भाई। मेरे लिए भी एक इवेंट है अच्छा वाला, मुझे भी अच्छा लगेगा। और भाई गाड़ी देखनी पड़ेगी कैसी है कैसी नहीं, क्या पता पसंद आ जाए और चटका ली जाए एक गाड़ी। तो गाइज अभी भाई हम ऐसे ही बात बात कर रहे थे आपस में, तो अभी विनय व्लॉग बना रहा था पर उसका रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो भाई विनय की बात मेरे को मस्त लगी, कह रहा कि पहले भाई एक टाइम था हम गाड़ियां सिर्फ देखते थे, फोन में देखते थे, अरे ये गाड़ी लेंगे वो गाड़ी लेंगे। मैं कहा भाई था वो टाइम, फिर उसके बाद एक टाइम आया कि भाई शोरूम के बाहर से गाड़ियां देखने लगे कि भाई ये गाड़ी है मस्त है ये है वो है। मैं कहा भाई वो भी टाइम था, फिर शोरूम के अंदर जाके देखने लगे, बस रेट वेट पूछ के आ जाते ये कितने की है ये कैसी है इसमें क्या है क्या नहीं। मैं कहा भाई ये भी टाइम था, फिर वो टाइम आया कि भाई गाड़ियां लेने लग गए, भाई गाड़ियां लेने भी लग गए। आज वो टाइम भी है कि गाड़ियां आए गाड़ियां ली खराब हो गई दूसरी ले ली, तो ये टाइम भी है। और भाई अभी ये टाइम आ गया कि मेरे हाथ से गाड़ी लॉन्च हो रही है आज स्कॉर्पियो। मगा हाँ भाई आ गया, भाई आ गया भाई टाइम मतलब। तो भाई इट्स अ ऑनर यार कि महिंद्रा वालों ने मेरे को इनवाइट करा एज अ चीफ गेस्ट और मेरे हाथ से स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग हो रही है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, खुश है भाई, हम सब काफ़ी खुश हैं। और आई होप कि आप लोग भी खुश रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, है ना, आगे आने वाली लाइफ में कुछ और बड़ी बड़े इवेंट्स आए। रचित देखो कोई फैन आए थे, दो छोटे छोटे बच्चे कोई गिफ्ट दे के गए हैं। टू रचित सिब्बू फ्रॉम शानवी दीक्षित। इंस्टा तुझे पहले चाहिए? तो अभी मेरे को देखना है इसमें क्या है, तो मैंने तो सोचा था तुम आ जाओगे तब खोलूंगी, पर मैं अभी खोल रही हूँ। मैं इस घर पे नहीं थी, मैं अभी आई हूँ, मैं बाहर गई थी थोड़ा, तो ये रचित के लिए है। मैं भी देखो इस पे फोटो लगी हुई है रचित की, 3-4 इन्होंने मतलब मेहनत करी है, प्रिंट प्रिंट करके निकलवाया है। और ये मेरे लिए है, इस पे मेरी फोटो लगी हुई है, ये देखो 3 फोटो लगाई है इन्होंने, मतलब दोनों के लिए गिफ्ट भेजा है। तो आई एम सॉरी मैं मिल नहीं पाई, मैं घर पे नहीं थी। तो रचित वाला तो देखो रचित खोलेगा, मैं अपना खोल के देख लेती हूँ कि इसमें है क्या। तो गाइज ये देखो ये इसमें कप है और इस पे फोटो लगी हुई है मेरी, मेरी 3 फोटो लगी है शायद, मुझे लग रहा है कि इन बच्चों की ये मेरी 3 फोटो फेवरेट होगी, तो इन्होंने ये 3 फोटो, उसमें भी अब रचित का कप होगा। तो सानवी नाम था, सानवी दीक्षित। तो चलो अब मैं इसमें ही कॉफी पिया करूंगी, हर व्लॉग में दिखेगा तुम्हें। थैंक यू सो मच और आई एम रियली सॉरी कि मैं तुमसे मिल नहीं पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो रचित ही खोलेगा, हमें हमने गेस कर लिया कि रचित में भी कप ही होगा, सजा के रख देते हैं पैक करके। तो गाइस महिंद्रा के शोरूम पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ पे शायद लॉन्च होगी, अभी देखते हैं अंदर चल के। चले भाई विनय, लेट्स गो। लेट हो गया है? लेट का टाइम पे है, लेट है बताओ, लेट हो तो बताओ।
कैसा लग रहा है भाई? तो बता भाई, स्कॉर्पियो लॉन्च कर दिया आज मैंने। कैसी स्कॉर्पियो, सही लगी? बढ़िया भाई, कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है ना, पिछली वाली स्कॉर्पियो से भी बड़ी है डायमेंशन में। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं भाई महिंद्रा के लॉन्च इवेंट से, स्कॉर्पियो के लॉन्च इवेंट से, और अभी गुड़गांव जा रहा हूँ वापस से। देखो गाड़ी की डिटेलिंग इस व्लॉग में नहीं दिखाई क्योंकि महिंद्रा का कुछ था कि अभी वो आज के दिन सिर्फ लॉन्च कर रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे गाड़ी को। बाकी डिटेलिंग वगैरह की वीडियो मैं फिर नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। शायद 5 अगस्त या 3 अगस्त को वो फिजिकली लॉन्च करेंगे गाड़ी स्कॉर्पियो को, तब मैं उसकी डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा। तो बाकी आज तो देखो भाई बहुत मस्त रहा, मेरे हाथ से भाई केक कटा और मेरे हाथ से गाड़ी लॉन्च हुई, तो मजा आया काफी। मजा आ गया। उसके बाद यार छोटा मोटा हल्का फुल्का काम था जो मैंने अपनी XUV700 में करवाना था वो भी करवा लिया, लाइक हल्का नट बोल्ट चेंज वेंज जो बिल्कुल माइनर से काम होते हैं जो वो करवा लिए, और भाई अपना थोड़ा हल्का फुल्का खाना वाना खा लिया था हमने, सैंडविच वगैरह, उसके बाद हम निकल गए। और मतलब है अभी काफी काम और करवाऊंगा मैं इसमें, थोड़ी बहुत एक्सेसरीज भी लगवाऊंगा, थोड़ी मॉडिफिकेशन भी करवाऊंगा XUV700 में, तो वो करवाऊंगा लेकिन बाद में, क्योंकि आज टाइम नहीं है। अभी जैसे आपको कल का व्लॉग देखा था आपने तो लाइट नहीं थी यार, कल शूट हो नहीं पाया था। तो अभी मम्मी और स्वाति पहुंच गए हैं, मतलब स्वाति तो पहुंचेगी थोड़ी शाम को, मम्मी पहुंच गई है गुड़गांव, तो अभी जाके शूट कर रहा है मेरे को पेंडिंग। तो चलो भाई चलते हैं गुड़गांव चलते हैं। तो गाइस अभी XUV में भाई बिल्कुल तेल नहीं है, देखो 19 किलोमीटर की रेंज बची है और टंकी बिल्कुल रेड हो चुकी है, खाली हो चुकी है। तो भाई अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, हर दूसरे दिन डलता है इसमें तेल भाई, इतनी ज्यादा रनिंग है गाड़ी की। आपको लास्ट व्लॉग में जब मैंने ये दिखाया था कि कितने किलोमीटर चल गई, तो 78 था, 78 किलोमीटर चली थी, अब देखो 8672 किलोमीटर और चल गई, मतलब ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर ज्यादा चल गई है। देख लो भाई बहुत ज्यादा रनिंग है भाई गाड़ी की। और भाई अभी तेल डला है 4925 रुपए का। तो गाइज अभी मैं ले रहा हूँ जामुन, और भाई आधा किलो जामुन पैक करा लिया है क्योंकि हमारे उधर तो गाँव में क्या होता है पेड़ वेड़ से हम तो तोड़ के खा लेते हैं। बचपन में बहुत जामुन तोड़ तोड़ के खाता मैं, मतलब जैसे दूध वूध लेने जाता था ना शाम को या दिन में कभी भी, तो पेड़ पे चढ़ जाता और भाई 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो जामुन तोड़ लेता और वही खाते मैं स्वाति और सब। शूट पे भी यही कर रहा था। हाँ वो अभी शूट किया था 2 दिन गांव में, वहाँ भी जामुन तोड़ तोड़ के खा रहे थे हम लोग पेड़ से, लेकिन यहाँ गुड़गांव में तो मुश्किल ही है पेड़ पे कहीं जामुन मिलना, तो अभी आधा किलो जामुन लिया भाई, मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है तो एक बार बताओ कमेंट करके। तो गाइस हम लोग वापस पहुंच गए हैं और ये देखो भाई मौसम कितना सही हो रखा है, हालांकि सूरज है पर मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, बादल है और हवा चल रही है, बड़ी हवा चल रही है और मौसम बढ़िया इसलिए हो रखा है क्योंकि शूट नहीं है ना मेरा आउटडोर, मेरा आउटडोर शूट सारा खत्म हो गया। जब आउटडोर शूट करना था तब भाई धूप थी, टैनिंग हो गई पूरी गंदी तरीके से, झुलस गया हूँ मैं धूप में शूट कर करके, लेकिन शूट खत्म हो गया तो मौसम भी सही हो गया, यही होता है मेरे साथ हमेशा भाई। तो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं और जो जामुन लिए थे वो खा लिए भाई, और बिना खा रहा है भाई रोटी, बिना खा ले तो भी खाऊंगा भाई थोड़ी देर में। और चीनू आ गई है, चीनू सिब्बू के शूट पे आई है, वहाँ पे सिब्बू का शूट भी चल रहा है, जैसे ही सिब्बू का शूट खत्म हो जाएगा मेरा शूट शुरू हो जाएगा। कितना हो गया था? लुकिंग लाइक किड्स, किड वे चोटी बना लेती जो बनाती है यार, वो आया नहीं सलून वाला। अच्छा, और मम्मी आ गई थी, मम्मी सो गई, जब मेरा शूट स्टार्ट होगा तो मम्मी उठ जाएगी और 6 बजे के आसपास स्वाति आ जाएगी कॉलेज से। इतने चीनू का सीन चलेगा जो सिब्बू की वीडियो में, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मेरा शूट हो गया स्टार्ट भाई, वहां से महिंद्रा के इवेंट से आके मैं थक गया था और सो गया था, और उसके बाद फिर अभी उठ के खाना भी खाया और शूट भी स्टार्ट हो गया है, एक सीन हमने ले भी लिया है, तो आज हमारा सारा इंडोर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो शूट बचेगा वो बचेगा स्कूल वाला पोर्शन, तो आज नहीं होगा सारा इंडोर खत्म। क्यों? क्यों नहीं है? ये क्या बात हुई, ये देखना इसको कह रही है मेरे पास कपड़े नहीं है, रखे थे पर पता नहीं कहाँ गए। मैंने रखे थे। ये क्या बात हुई है, पूरा खराब। ये इसको रखना चाहिए ना ध्यान, मैं इसके कपड़े थोड़ी रखूंगी, वही मैंने रखे थे। मैं तो अपने कल भी रखे थे, क्या होता है, कुछ नहीं रखा होगा तूने, कल बैग लेने तो यहाँ जिद लगा के आ गई, मेरे कपड़े मेरे सब उसी में, एक जोड़ी एक्स्ट्रा भी रख रखे तूने बोले थे, तो चीन का निकाल दिए वो या मैंने, तो फिर कहाँ गए, अब सीन कैसे करूंगा। बैग तो तू कॉलेज लेके गई थी ना, पर रखे ही नहीं इसने, रखे नहीं इसने, मैंने एक्स्ट्रा भी रख रखे, तूने बोला था एक जोड़े एक्स्ट्रा, फिर वो कहाँ गए जो थे, बैग में से काट ली किसी ने ऐसा नहीं
ऐसा कर ले फिर कुछ। तो गाइस अभी हम लोगों का एक छोटा सा सीन बचा और हमारे ऊपर एक भाई बहुत मस्त टास्क आ गया हमारे पास। अभी देखो भाई टाइम हो रहा है 10:15, ठीक है, और 11 बजे का हमने मूवी का शो बुक कर लिया है और यहाँ से मूवी जाने में भी हमें 20 से 25 मिनट लगेगी। तो हमारे पास कुल मिला के 45-50 मिनट है अपना शूट कंप्लीट करने के लिए और एक सीन बचा हुआ है। तो देखो ये टास्क पूरा कर पाते हैं और फिर मूवी देखने टाइम पे पहुंच पाते हैं या नहीं। मूवी हम देख रहे हैं चार्ली 777 777 ऐसे करके कोई मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है हिंदी डब में, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, 9.2 रेटिंग है। तो चलो चल के देखते हैं कि कैसी मूवी है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मूवी एक्चुअल में कैसी थी। अभी तो रेटिंग 9.2 है ही, पर देखने के बाद पता लगेगा कि मूवी का एक्चुअल क्या था सब कुछ। तो चलो एक बार अभी शूट निपटाते हैं फटाफट से और निकलते हैं फिर। तो गाइस फिलहाल का अभी का हमारा शूट कंप्लीट हो गया है भाई, 10:15 पर हमने ऑलमोस्ट अपना शूट खत्म कर लिया है और बहुत छोटा सा सीन बचा जिसमें मैं और स्वाति हैं। तो मम्मी और चीनू तो वहीं से मूवी देख के घर निकल जाएंगी, मैं और स्वाति यहाँ वापस आएंगे, स्वाति यहाँ से सुबह अपने कॉलेज जाएगी। तो स्वाति का और मेरा जो सीन बचा वो हम मूवी देखने के बाद यहाँ पे आके करेंगे अभी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं भाई PVR एम्बियंस मॉल, ये देख लो भाई 4 है, 5 ये भी ले लेता हूँ, गलती से 4 हो गई। तो भाई वहाँ पे सिब्बू फूड वूड ले रही है और यहाँ पे मैं चीनू को आइसक्रीम दिलवाने लाया हूँ कैवेंटर्स पे, कौन सी हेजलनट है, हेजलनट सबसे सही रहते हैं वो ले ले। उस दिन भी हेजलनट ही खाई थी ना? हाँ उस दिन भी हेजलनट खाई थी। कब? वो हेजलनट थी। हाँ। तो गाइस मूवी देख के आ गए हम भाई चार्ली 777 कैसी लगी? चीनू तो सच में रो गई, चीनू तो चुप ही नहीं हो रही, चीनू बहुत इमोशनल होगी मूवी देख के। मूवी का लेसन ये है कि अडॉप्ट डोंट बाय, मतलब अडॉप्ट करो खरीदो मत कुत्तों को। हाँ तो भाई अडॉप्ट करना चाहिए, हमें तो इतना पता नहीं था पहले डॉग्स वॉग्स के बारे में, अब खुद जब हमने इंस्टा को पाला तब थोड़ी सी नॉलेज हुई है। तो अभी मम्मी और चीनू जा रहे हैं, इनकी कैब बुक कर दी है, ये लोग घर जा रहे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं अपने गुड़गांव वाले घर। स्वाति सुबह यहीं से निकलेगी, 2-3 कैब तो कैंसिल हो गए, रात को कैब वाले ही ड्रामे करते हैं, नहीं करना चाहिए ना उनको ये सब, जब सुविधाएं दे रखी है तो फिर ये नकले करते हैं भाई, वो अपनी मर्जी के मालिक अब करते करते हैं। कल का नहीं बताएगा, समझा दे क्या मैं बोल दे कल कि भाई क्या हुआ। और भाई टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और कल हम जा रहे हैं मुंबई, मैं और सिब्बू मुंबई जा रहे हैं, सरप्राइज है कुछ बहुत बड़ा, कल दिखाएंगे आपको। तो गाइस वापस आ गया हूँ भाई मैं, और भी ना अपनी ब्लॉग एडिट कर रहा है और इसमें मेरा एक सोने का सीन था तो कह रहा कि इसमें खराटों का साउंड इफेक्ट डाल दूंगा, हालांकि मैं खराटे मार नहीं रहा, मैंने तो बोला भी नहीं अमन, अगर मैंने बोला है ना भाई, भाई अगर मैंने बोला होता, ये तो तू जबरदस्ती यहाँ करवा रहा है, अगर मैंने बोला होता तो कसम, माँ कसम भाई, कसम वाली बात नहीं है, मैं कहता हूँ माँ कसम इसने गाइस बोला था कि तू सो रहा है खराटे तो मार नहीं रहा, मैं साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके पीछे से खराटे चला दूंगा क्योंकि तू मेरे भी डालता है, अगर ऐसी बात है तो ब्लॉग में देख लियो, जो खराटे नहीं, लेकिन फिर इसने डाला नहीं क्योंकि बोला यार नहीं यार ओरिजिनल बनाऊंगा, मगर ओरिजिनल तेरे को मिलेगा नहीं क्योंकि मैं खराटे मारता हूँ, कभी कभार होता है जब बहुत गहरी नींद में सो रहा होता हूँ, एक बंदा कुछ भी कर सकता है किसी को बदनाम करने के लिए, ठीक है भाई, दो गवाह बैठे यहाँ पे, ठीक है, और दो गवाह इनफ होते हैं, ठीक है, ओके भाई। तो चलो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ भाई, सुबह निकलना है मुंबई, मैं और सिब्बू मुंबई जा रहे हैं, 11:40 की फ्लाइट है, 2 बजे लैंड होएंगे मुंबई में, टिकट विकेट बुक हो चुकी है। तो चलो गाइस सुबह मिलते हैं और कल सुबह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तो इस व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय गाइस बाय।